ये देखिए, रॉयल राजस्थान व्हील स्टार्ट हुई थी 2009 में ही हुई थी, और सी 1994 विलेज और व्हील पता नहीं मुझे भी याद नहीं कब हुई थी। खैर बी और सी से अगर हम मैच करेंगे तो बैठ जाएगा बी दो और सी तीन, ए 55 का ए। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन? डॉक्टर सॉरी सर एस के घोष 56 का डी, पीपल पन्नाइस 57 का सी, विमेंस एयर ऑर्नामेंट यानी स्त्रियों के कान का आभूषण है ये। द सेंट वॉज इन्वाइटेड टू फतेहपुर सीकरी, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो थे दादू दयाल जी। असल में क्या है, ये जो अकबर थे दादू दयाल जी से बहुत ज़्यादा वो थे, क्या कहते हैं, प्रभावित। और ऐसा कहा जाता है कि जो आमेर वंश है राजस्थान का वो भी दादू दयाल जी के कारण ही इसके प्रभाव में आया था अकबर के। 59 का डी, 1932 मेव पीजन मूवमेंट ऑफ राजस्थान स्टार्टेड इन हुज लीडरशिप? 1932 राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? डॉक्टर मोहम्मद हादी। कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद हादी। 60, क्वेश्चन 60 का जो आंसर है वो है बी, इसमें थर्ड नहीं है ऑप्शन, ये तीसरा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य नहीं करता, बाकी वन और टू करता है ये, और इसका आंसर है बी 60 का। 61 का क्या करता है ये, राज्य के पंचायत व नगर पालिका चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है, राज्य आयोग पंचायत नगर पालिका के लिए चुनाव संपन्न कराना, ये भी इसी का काम है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, थर्ड नहीं है। 61 जलमहल बहुत फेमस, मैच करना जयपुर में, जूनागढ़ फॉरेस्ट बीकानेर में, सी का टू, इसी से मैच हो जाएगा ये, तो इसका आंसर है 61 का डी। ए का 3 और बी का 1 और सी का 2। हाँ ठीक है, 62 का आंसर है ना, कजिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट यानी राज्यपाल के संबंध में क्या सही है, करेक्ट स्टेटमेंट देना है। ये पहला ही गलत है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, इसको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है गवर्नर को। तो 2, 3, 4 मतलब माननीय गवर्नर साहब को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। 63 का राजस्थान कामर जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा। कौन सा? 63 का ए, 63 का सी, तंदूरा बजाया जाता है। 64 है ना, पचवेदा क्या है? पचवेदा बेसिकली एक क्या है, मोटी सूती शॉल, थिक कॉटन शॉल है ये, ए 64 का ए। 65 का असल में क्या, उम्र का इसमें ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो सबसे मैच है वो 65 का बी है, 5 ईयर्स ऑफ एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। पहले 8 साल हो गई थी, फिर राजस्थान में जो लोकायुक्त की उम्र थी वो घटा के 5 साल कर दिया कार्यकाल। 66 का बी, लाल्य काल्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में। कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में, मैंने तो पहली बार ही सुना है। 67 का आंसर है सी, सर्विच राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग में सर्वाधिक बार शपथ ली, किसने सबसे सर्वाधिक शपथ ली है? हरिदेव जोशी व भैरव सिंह शेखावत ने, इस युग में यही है। 68 का है, कौन सा युग में सही है? अगर युग में सही की बात करें तो सिर्फ एक ही सही है, राजस्थान ललित कला अकेडमी 1957, 1957। 69 का आंसर है, कौन राजस्थान राज्य मान्यता आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? ये बी जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं थे, बी कौन, न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। 70 सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज 70 बी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, बी इसका आंसर क्या है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। 71 राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है बी राज्यपाल, गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर, ये हिंदी में राज्यपाल। 72 का सी ना, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में फीमेल सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? ये फरोख जाफर है। 72 का बी सॉरी सी, 72 का सी। 73 का
ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद बेच करने के लिए क्या अकाउंट ओपन करने की परमिशन दे दी पहली बार। इसका नाम दिया है उन्होंने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। 73 का क्या है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम या गई है, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। 73 का सी, 74 का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, लद्दाख में। 74 का डी, फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस फर्स्ट लॉन्च्ड है ना, पहली हवाई टैक्सी कहाँ सेवाएं कहाँ स्थापित शुरू हुई, चंडीगढ़ में। 75 का डी, 76 है ना, मोदी सरकार ने वर्तमान में केंद्र सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। 76 का सी, अरे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा फटाफट बोलता हूँ, क्वेश्चन बोल देता हूँ सीधे। क्वेश्चन 77 क्या आंसर है, सुहास यथिराज डी, क्या आंसर है डी, सुहास यथिराज। ये शायद नोएडा के या गाजियाबाद के मजिस्ट्रेट भी हैं। 78 का डी, होशंगाबाद, ये असल में नाम रखा है, ये मध्य प्रदेश की सिटी है होशंगाबाद, उसका नाम है। 79 का डी, सीधे एल्यूमिनियम बॉक्साइट, एक्चुअली एल्यूमिनियम जो निकलता है बॉक्साइट से ही निकलता है। 80 का डी, नाइट्रस ऑक्साइड, या लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हालांकि इसमें परेशान हो जाता है आदमी, लेकिन इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। 81 का सी, जायकोव डी, ये पहले डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है, ये फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में भी आया क्वेश्चन पटवारी की, जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, लेकिन इवनिंग सेशन में इतने रिपीट नहीं हुए ज़्यादा। 82 का बी, उदय भाटिया की किताब किसके, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, उदय भाटिया की किताब है। 83 का ए, फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर, समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ पर, तमिलनाडु में। 83 का ए तमिलनाडु। 84 का आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ए ब्रेड अनाज पास्ता खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 85 का जो आंसर है वो है बी, थोरासिक कैविटी या वक्षीय गुहा, इसी के अंदर हमारे जो फेफड़े होते हैं। 86 का है बी, हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपोटेंशन से भी हार्ट अटैक हो सकता है, सिर्फ हाइपोटेंशन नहीं, हाइपो अगर लो ब्लड प्रेशर लो, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर लो होना, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर हाई होना। 87 का डी, अंडरग्राउंड, याम यानी अरबी कहाँ होती है, जमीन के अंदर, क्योंकि ये जड़ होती है। 93 का है डी, ओनली टू इज करेक्ट, 93 का क्या है डी, सिर्फ दो ही करेक्ट है, इसमें एक्चुअली वर्सेस हैं, लिरिक्स नहीं है। तो सही विकल्प चुनने के लिए बात की गई है। 94 का है वेद समाज कब कहाँ स्थापित हुआ, मद्रास में 1864 में ये हुआ था, और ये करा था केशव चंद सेन जी ने करा था। ये क्वेश्चन 95, इसको मैच करना है, इसमें करना है सही युग्म, निम्न में से गलत युग्म, सॉरी इनकरेक्ट पेयर या गलत युग्म का चयन करना है, तो गलत ये है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें ये बी आर अम्बेडकर थे। 96 का है डी, रेड फोर्ट दिल्ली, एनी प्रिजनर्स वॉर ट्रायल, एनी के युद्धबंदी को जो फेमस ट्रायल है इसको रेड फोर्ट ट्रायल बोला जाता है। 97 का है सी, इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई है, असल में इसको क्या कॉपी करते वक्त 88 से 89, 90, 91, 92 अभी आएंगे, ऊपर नीचे हो गया, चलो मैं पहले वही करा देता हूँ, थोड़ा सा 88 पे करा देता हूँ। ये विच डिजीज, 88 विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्वाशोरकर सी। 89 का आंसर है सी, ए का थ्री
ये कुतुब मीनार एक्चुअली बनी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू थी, लेकिन ख़त्म इल्तुतमिश ने की थी, तो ए का 3 हो जाता है, उसी से निकल जाता है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। 90 का सबसे पहले फाइन आए थे, फिर यून सांग आए थे, फिर थॉमस रो आया था। फाइन जब आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, यून सांग आए थे हर्षा के टाइम पे आए थे, थॉमस रो तो ये अकबर के टाइम पे आया था। नाइन्टी वन का आंसर है डी, ढाका, 1906 में ढाका में बनी थी। ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले आया था, सन पूछा था उसमें, इसमें पूछा कहाँ बनी, उसमें मैंने बताया भी था जब मैंने उसको डिस्कस कर रहा था कि उसमें ढाका में बनी थी, तो जैसे आज ये पूछ भी लिया उन्होंने। 92 का डी, 2, 3 और 4, 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या थे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण का हस्तांतरण ये नहीं था, बाकी सारे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक्सप्लोटेशन, इनइक्वलिटी, यानी ये गड़बड़े, अंग्रेज द्वारा भारतीय शोषण, भारतीय अंग्रेज मध्य असमानता, इनफील्ड राइफल तो थी, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। फिर है 93, ऊपर से वापस शुरू करते हैं, ये क्या कॉपी पेस्ट करते हो, ऐसा हो गया था। हाँ 93 का आंसर है डी, मैंने बता ही दिया, और बायडंग ये वेद समाज का भी मैंने बता दिया था, इसमें भी राजेंद्र प्रसाद सी गलत है इसमें। एक्चुअली इस युग में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में B.R. अम्बेडकर थे, INA हो गया। हाँ प्रेजेंशन, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होता है। देखिए इसमें संसद के दोनों सदस्यों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। इसमें दिल्ली और पौंडीचौरी के MLAs भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो है, बाकी नहीं, और किसी यूनियन टेरेटरी के नहीं है। 98 का सी, 42nd अमेंडमेंट, जो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वें संशोधन द्वारा। 99 का ए, जीवी मालवांकर, पहले कौन थे स्पीकर लोकसभा, मालवांकर। 100 का बी, आर्टिकल 315, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 है। 101 का है ए, ए सही है बट आर गलत है, ये एक्चुअली इन्होंने बात करी है कि भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, ठीक है, लेकिन भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियाँ नहीं, वहाँ पर है, ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं है, तो ये सही सत्य परंतु आर असत्य है। फिर ये तो कर ही दिया। 102, 102 का ए, खेतड़ी से हो जाएगा, ए का 3 है ना, और ये कालाहांडी से बॉक्साइट, दो बार पूछ लिया, डी का 2, तो ए 102 का ए। 103 का द फॉलोइंग, 103 का नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन के बाद क्या बना है, नीति आयोग बना है। 104 का डी, 7516.6 किलोमीटर, 7517 भी लिखा था कि, तो 7516.6 किलोमीटर है। 105 ए, लैंड ऑफ 5 रिवर पंजाब, इसका मतलब ही होता है 5 नदियों की संगम जहाँ होता है पंजाब। क्वेश्चन 106 का आंसर है बी, मुरुमलाई सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, बाकी सारे तीनों ठीक है। क्वेश्चन 107 है ना, इसमें एस्चुरी कौन सी बनाती है, ये एक्चुअली नर्मदा रिवर बनाती है, एस्चुरी मैं बताऊंगा कभी, अभी 1.5 घंटा इसमें लग जाएगा, नर्मदा रिवर बनाती है, बाकी एस्चुरी नहीं बनाती। 108 ए, परिस्थिति के अनुक्रम यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन, 108 का क्या है ए, आंसर क्या है ए, परिस्थिति की अनुक्रम। क्वेश्चन 109, इसके 1, 2, 3 तीनों ही होंगे, असल में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन भी है, सबसे ज़्यादा मून है, फिर सन है, अंतर होता है, लेकिन 1, 2 करते हैं 3 भी आ जाता है, तो ये सी आएगा। 110 का डी, सापेक्ष निरपेक्ष, ये विलोम युग में। 111 का सी, कड़वी बातें सुनने वाला, ये कहने वाला होता है कड़ु भाषी। 112 का डी, जगदीश, ये जगत प्लस ईश होता है, इसमें जगदीश है। 113 का ए, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है, आप पढ़ेंगे तो अभी आप समझ जाएंगे। 114 का बी, सुग्गा, ये एक्चुअली सुअर को बोलते हैं, मधु जो बोलते हैं वो भंवरे को बोलते हैं। 115 का बी,
किराए के जवाब में कड़ी प्रत्यय देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। 116 का पाप पुण्य का बी द्वंद्व समास है, क्या है? द्वंद्व समास। 117 का है सी कष्टुन अभिरक्षक, ये सही है, बाकी सब गलत है, मैच नहीं करते। 118 का जो सही है डी वोकेशन। 119 का जो है दुस्साहसिक और अनुशासनिक दोनों है, उपसर्ग प्रत्यय। 120 का बी अस्त्र शस्त्र, ये अस्त्र और अस्त्र ये मैच नहीं करता, बाकी सब मैच करते हैं। इसने पूछा कि मैच नहीं करता, सही नहीं है। 121 डी 3 और 4 बाकी गलत है। फिर ये इंग्लिश का आ गया कॉम्प्रेंशन पैसेज। 122 का है सी हिमालय, कार्गो, अरावली, वेस्टर्न, सारे इसमें नाम दिए हुए हैं। 123 का है ए ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा, नर्मदा, तापी, गोदावरी, ठीक है, चार छह रिवर बताई हैं। 124 का है ए, है ना, 124 अकाउंट पास द मेजर रिवर्स इन इंडिया, मेजर रिवर्स, सॉरी इसमें गलत कर दिया, बी है 124 का बी, लगाते हो तो 124 का बी, इन मेजर रिवर्स इनलैंड ड्रेनेज में नहीं आती। 125 का है बी, ये इंदस के 3500, फिर ब्रह्मपुत्र के 660 और गंगा के 1000 ग्लेशियर्स हैं। 126 का है डी सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ये मैच करता है, बाकी नहीं करते। इसमें एक्चुअली क्या है, सारी सिटीज़ नदियों के किनारे पे, ना कि जो नदी है वो शहरों के किनारे पर है, इसमें उल्टा इन्होंने लिखा है। 127 का सी गुड नेचर, ग्रम्पी का एंटोनिम क्या होगा, गुड नेचर। 128 का सी एट वन स्वीट सेंस, इडियम क्या होगा, परप्लेक्स्ड। 129 का सी आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर होगा, ए नहीं आएगा इसमें। 130 का है ए विल कंप्राइज ऑफ टू राउंड्स, ना कंपोजिशन ऑफ टू राउंड, गलत है। 131 का बी एम्बेसल का मतलब था मिस अप्रोपिएशन दो। 132 का है बी ऑटोमेटिक, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन। 133 का है बी नन ऑफ दीज, चेक, मॉडिफाई, रिफ्रेश, पीरियोडिक, वो अपने आप ही हो जाती है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ये हो सकता था ये, लेकिन हमें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही रिफ्रेश होती रहती है। इन्होंने भंडारी सूचनाओं को रिफ्रेश पीरियोडिकली हो सकता है इसमें आंसर। 133 का ए मान लीजिए, क्योंकि हम नहीं करते ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहती है। 133 का ए। 134 का ए विंडोज 9 नहीं आई थी, 8.1 करके फिर 10 आई थी, एक्सपी आई थी, 9 नहीं आई थी कभी। 135 का अच्छा क्वेश्चन है बहुत, वो विंडोज़ वाला। 135 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 135 का बी ऑपरेटिंग। 136 का बी इंटेलिजेंट टर्मिनल बोलते हैं इसको, वी इनपुट डिवाइस इज यूज प्रोग्राम में इंटेलिजेंट टर्मिनल। 137 का ए कंपाइलर, एंटायर प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज कंपाइलर चेंज करता है उसको। 139 का डी रैम। 140 का बी टेराबाइट। 141 का ए वर्ड फील्ड्स। 142 का ए चार्ट्स एंड वर्कशीट्स, एक्सेल वर्कबुक में क्या होता है, चार्ट्स एंड वर्कशीट सारी होती है। 143 का ए F5 दबाने से प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। 146 का ए, ये क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है, क्वार्टी क्या है, कीबोर्ड को बोलते हैं, क्योंकि आप पहली लाइन कीबोर्ड में पहले लाइन के वर्ड देखें तो सबसे पहले QWERTY आता है, इसको क्वार्टी इसलिए बोला जाता है। 146 का ए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम शुरू करता है ना, प्रोग्राम संकलन, जो कंप्यूटर का मूल प्रकार कार्य, जैसे टास्क, शेड्यूलिंग, पेरिफेरल, नियंत्रण करता रहता है, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर जो काम करता है उसके लिए हम एप्लीकेशन ले आते हैं। 147 डी जी आएगा इसमें, इसमें मेरे हिसाब से आएगा ए। 148 का ए, और 149 का है बी सॉ वुड, यानी
हथौड़ा कील में क्या है, आरी और लकड़ी मैच करती है, बी। और 150 का है डी, TVW। तो इसके साथ ये कंप्लीट होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।